वेलकम फ्रेंड्स इन लेट्स टॉक इंजीनियर्स डॉट कॉम। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि कैसे अमेज़ का ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा और आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने हैं जिससे आप अपने कंटेंट की अमेज़ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक बेस्ट पॉइंट है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उस पर विजिट करके अमेज़ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज हमारी वीडियो कीवर्ड डेंसिटी पर है। कीवर्ड डेंसिटी क्या है और बेटर रैंकिंग के लिए कितनी कीवर्ड परसेंटेज होनी चाहिए, कितनी कीवर्ड डेंसिटी की परसेंटेज होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपको पता ही होना चाहिए कि सर्च इंजन से ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आर्टिकल लिखना बहुत ज़रूरी है। कीवर्ड डेंसिटी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक टेस्ट पार्ट है। कीवर्ड डेंसिटी का मीनिंग देखेंगे अब हम। कीवर्ड डेंसिटी मींस पोस्ट कंटेंट में कीवर्ड्स कितनी परसेंटेज से यूज़ करनी चाहिए जिससे पोस्ट सर्च में अच्छी पोजीशन बना। सिंपल शब्दों में कीवर्ड डेंसिटी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कीवर्ड डेंसिटी वर्ड्स और टोटल ब्लॉक वर्ड्स की हेल्प से हम कीवर्ड डेंसिटी की परसेंटेज को पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कीवर्ड डेंसिटी 2.5% के अराउंड ऑफ रखनी चाहिए। कहने का मतलब कि आपको कीवर्ड डेंसिटी 2.5% से कम रखनी चाहिए। अगर आप 2.5 कीवर्ड डेंसिटी रखोगे तो आप अच्छा रैंक बनाने में सक्सेसफुल होंगे। जैसे फ्रेंड्स हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट को खोला हुआ है और उस पर मैंने एक पेज कीवर्ड डेंसिटी पर आर्टिकल ड्राफ्ट किया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे नीचे कुछ एनालिसिस पॉइंट्स शो किए हुए हैं। आप उसमें देखेंगे कि मैंने फोकस कीवर्ड डेंसिटी को चुना है और यहाँ पर कीवर्ड डेंसिटी 3.2% है और जहाँ पर 2.5 होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम है। देखिए यहाँ पर रेड सिंबल शो कर रहा है और बाकी में ग्रीन सिंबल शो कर रहा है। हमें यहाँ पर भी ग्रीन सिंबल करना चाहिए क्योंकि ये 3.2 2.5 से ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं जहाँ पर भी कीवर्ड डेंसिटी आएगा हम उसे एग्जिट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। जैसे सपोज कि कहाँ पर हमें फ्री लग रहा है कीवर्ड डेंसिटी, जैसे हमें ऐसे देखने में तो बहुत प्रॉब्लम है कि कहाँ कहाँ पर कीवर्ड डेंसिटी यूज़ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे करते हैं हम कंट्रोल और एफ को दबाते हैं। यहाँ पर दबाने पर हमें देखते हैं ये आ जाएगा ऑप्शन, इस पर क्लिक करके एंटर करते हैं। जहाँ जहाँ पर कीवर्ड डेंसिटी होगा वो उसे डार्क कर देगा। देखते हैं हम, जैसे ये है फर्स्ट नंबर पर है, इसके डिलीट कर देते हैं सपोज, या फिर ये है इसे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम IT यूज़ कर देते हैं। जैसे यहाँ पर डिलीट कर दिया हमने, अब हम चेक करेंगे कितनी है कीवर्ड डेंसिटी, 2.7% है। यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया सपोज, तो नीचे देखेंगे हम, यहाँ से रेड सिंबल चला गया, लाइन चलेगी कीवर्ड डेंसिटी वाली और यहाँ पर नीचे शो करने लग गया था कीवर्ड डेंसिटी इज 2.4% विच इज़ ग्रेट, द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड 9 times। सो फ्रेंड्स, आपको कीवर्ड डेंसिटी 2.5 के राउंड ऑफ रखनी चाहिए, 2.5 से कम रखनी चाहिए, जो कि अच्छा रैंक बनाने के लिए सक्सेस। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके कीवर्ड डेंसिटी की परसेंटेज को शो करता हूँ। जैसे कि ये फार्मूला है, ठीक है, ये देखें ये फार्मूला है। जैसे कि हमने 1000 words का आर्टिकल लिखा, 1000 words के आर्टिकल में हम 25 फोकस कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो 25 divided by 1000 multiplied by 100 करके कीवर्ड डेंसिटी कितनी आएगी, 2.5% होगी। ये 2.5% बेस्ट है और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितना बड़ा आपका आर्टिकल होगा उतने फोकस कीवर्ड्स उसमें ज़्यादा रिपीट होंगे।
जैसे फ्रेंड्स इस एग्जांपल में दिखाया गया है कि हमने, जैसे फ्रेंड्स देखिए आप 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें फोकस कीवर्ड्स 50 रिपीट होंगे और कीवर्ड डेंसिटी रहेगी 2.5%। सो फ्रेंड्स आपको आर्टिकल को लंबा लिखने की भी, लॉन्ग लिखने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे अच्छा रैंक बन सकता है। अब मैं आपको वन लाइन में कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा जो कि बेस्ट है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, कीवर्ड डेंसिटी मेक्स योर आर्टिकल बेस्ट देन कीवर्ड स्टफरिंग। फ्रेंड्स कीवर्ड स्टफरिंग मीन्स एक वर्ड का आर्टिकल में बार बार रिपीट होना, उसे कीवर्ड स्टफरिंग कहते हैं, जिसका हमारे आर्टिकल पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सेकंड पॉइंट, यू शुड यूज LSI कीवर्ड्स टू मेक बेटर। थर्ड पॉइंट, यूज मेन कीवर्ड्स अंडर अमेज alt text। फोर्थ पॉइंट, अंडर एंड ओवर यूज ऑफ कीवर्ड डेंसिटी गिव्स नेगेटिव इफेक्ट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अंडर एंड ओवर यूज ऑफ कीवर्ड डेंसिटी गिव्स नेगेटिव इफेक्ट। यू शुड यूज कीवर्ड प्लगइन फॉर बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन। आपको कीवर्ड प्लगइन भी यूज करना चाहिए बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, मोर फोकस ऑन कीवर्ड्स प्लगइन फॉर बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन एट स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम ऑफ आर्टिकल। नेक्स्ट पॉइंट इज, यूज द मेन कीवर्ड्स वन और मोर टाइम इन मेटा डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज, यू शुड यूज ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इज द मेन पार्ट ऑफ कीवर्ड डेंसिटी। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एक कीवर्ड्स की टाइप हैं। वैसे तो कीवर्ड्स की 3 टाइप्स हैं, जैसे कि हाई वैल्यू कीवर्ड्स, कीवर्ड फ्रेसिस एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। फर्स्ट नंबर पर हाई वैल्यू कीवर्ड्स, हाई वैल्यू कीवर्ड्स। सेकंड नंबर पर कीवर्ड फ्रेसिस। थर्ड नंबर पर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, देखें फर्स्ट में हाई वैल्यू कीवर्ड्स में 1 और 2 वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड फ्रेजेस में 2 और 3 वर्ड्स होते हैं, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में 3+ वर्ड्स होते हैं। आपको एक और सजेशन देना चाहूँगा कि आपको जॉस्ट SEO के बारे में भी पता होना चाहिए। जॉस्ट SEO को भी अपने आर्टिकल में यूज़ करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं और ये देखिए यहाँ पर हमारा आर्टिकल है, तो हम आर्टिकल सेलेक्ट करेंगे। आपको ये ऑप्शंस को भी फुलफिल करना चाहिए। हर सक्सेसफुल ब्लॉगर इसे यूज़ करता है। जॉस्ट SEO के अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन रिच स्निपेट की डिटेल्स फुलफिल करनी होती हैं, जैसे कि आर्टिकल की इमेजेस, आर्टिकल का नेम, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ऑथर, पब्लिशर ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिशर लोगो। अगर आप और इंफॉर्मेशन लेनी चाहते हैं तो आप हमारे letstalkengineers.com वेबसाइट पर जाकर SEO कैटेगरी को सिलेक्ट करके उसमें जाकर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको कीवर्ड डेंसिटी की और पूरा फोकस करने की ज़रूरत है। आप अच्छा ट्रैफिक पाने में सक्सेसफुल होंगे अगर आप इसकी और पूरा फोकस करेंगे तो। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो हमारी टूल्स पर होगी कि कैसे कीवर्ड डेंसिटी को चेक करने के लिए कौन कौन से टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता ही दिया है कि वेबसाइट पर जाकर आप नीचे एनालिसिस पर यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कितनी कीवर्ड डेंसिटी हैं, पर फिर भी आप कोई टूल्स यूज़ करके चेक करना चाहते हैं तो उससे भी आप कीवर्ड डेंसिटी की परसेंटेज को चेक कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे हम उसे यूज़ करके कीवर्ड डेंसिटी की परसेंटेज पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स
इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें, जो आपको अप टू डेट न्यूज़ मिलती है। थैंक्स।